बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हम मिर्ज़ा अरसलान और आप देख रहे हैं मोगाज़ास यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोबारा से आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के मतलब अपडेट मिलने लगी है। सबसे पहले जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, काकपुल इंटरचेंज खन्ना पुल टूवर्ड्स कोहटा रोड की तरफ जो एग्ज़िट पॉइंट बनाया जा रहा है, यहाँ पर जो है माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी के साथ वर्किंग जारी है। कंपेक्शन वर्क चल रहा है, साथ साथ जो है बल्डोजिंग भी हो रही थी और इस साइड पे डैम्पिंग का प्रोसेस हो रहा है। ऊपर इस सारे एरिया को भी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये नई एंट्रेंस दी जा रही है कोहटा रोड टूवर्ड्स रुआत और खन्नापुर टूवर्ड्स कोहटा रोड एग्जिट पॉइंट। दूसरी साइड पे भी वर्किंग चल रही है, वो भी जब के आपको दिखाते हैं। और काक ब्रिज के ऊपर भी वर्किंग चल रही है, गार्डर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं और डेस्क लैब्स पर वर्किंग जारी है, वो भी चल के दिखाते हैं फिर आपको। और यहाँ पर भी जो है वाल के लिए वर्किंग शुरू हो गई है। ये आपके सामने काक ब्रिज के बिल्कुल नीचे मैं पहुँच चुका हूँ और मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी है और वर्किंग चल रही है। और यहाँ पर जो लास्ट पाइल्स बनेंगी उनके ऊपर भी वर्किंग हो रही है, इनको भी कंक्रीट किया जाएगा। बेड बन रहे हैं, आखिरी पाइल जो बनेंगी। और गार्डर जो है कि साइड पर भी इंस्टॉल हो रहे हैं फिलहाल जो है। खन्ना पुल टूवर्ड्स काक पुल जो साइड है, ये रुआत टूवर्ड्स खन्ना पुल है, इसके ऊपर फिलहाल जो है कोई भी गार्डर इंस्टॉल नहीं है, एक ही साइड के ऊपर अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। और तकरीबन 9 स्पेंस के ऊपर जो है गार्डर इंस्टॉल हैं और बाकी साथ में ऊपर डेस्क स्लैब्स बन रही हैं। मज़ीद गार्डर अभी इंस्टॉल होना बाकी हैं, 6 जो स्पेंस हैं उनके ऊपर अभी गार्डर इंस्टॉल होंगे आने वाले दिनों में। आगे का सारा ट्रैक जो है वो क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि इधर से जो है गार्डरी क्रेन्स ने गुजर के आगे गार्डर्स इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पर जो है डेस्क स्लैब्स पे वर्किंग चल रही है, डेस्क स्लैब्स जो है वो रेडी हो रही हैं। गार्डर्स ऊपर इंस्टॉल करके शटरिंग भी साथ साथ हो रही है। गवर्नमेंट का जो पोर्शन है यहाँ पर कंक्रीट भी किया जा रहा है, गार्डर्स को आपस में जो कनेक्ट किया जा रहा है, और इंशाल्लाह जब वो डेस्क स्लैब्स रेडी हो जाएंगी तो फिर मज़ीद जो है आगे के एरिया में गार्डर्स इंस्टॉल होंगे। और ये एरिया मैंने पहले भी आपको दिखाया था काक पुल क्रॉस करने के बाद, यहाँ पर भी साथ साथ ग्रेडिंग कंपेक्शन चल रही है, अर्थ वर्क हो रहा है और काफ़ी एरिया ये डाउन था और अभी आप देख सकते हैं मेन रोड के बिल्कुल साथ ही मिलने वाला है। और डाल के मट्टी वगैरह तो इसको जो है कंपैक्ट किया जा रहे, जबकि इस साइड पे रिवर गार्डन के डैम्पिंग का प्रोसेस चल रहा है। अप्रैल तक इस वर्किंग ने कंप्लीट होना है, अभी देखते हैं कि ये कब तक कंप्लीट होती है। और ये रिवर गार्डन का बिल्कुल फ्रंट का एरिया, और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि रिवर गार्डन को कहाँ से जो है कनेक्ट किया जाएगा अंडरपास के साथ, तो ये बिल्कुल जिस तरह से पीडब्ल्यूडी को कनेक्ट किया गया है पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज के साथ और स्वां गार्डन को, इसी तरह जो है इसको भी कनेक्ट किया जाएगा। पास के ऊपर भी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ वर्क चल रहा है। वर्किंग जो है सारे एरिया में ही चल रही है, जिस तरफ भी आप जाएंगे इंशाल्लाह अगले वीक तक जो है यहाँ पर भी स्पॉट वर्क शुरू हो जाएगा और जो कंक्रीट लाइन है कंक्रीट पेविंग वो भी हो जाएगी। आज की अपडेट थोड़ी सी जल्दी में ही है, और ये आप देख सकते हैं क्रश और सैंड का मिक्सचर जो है डाला जा रहा है, इसको कंपैक्ट करके तो ऊपर जो है दोबारा से रैपिड पेमेंट जो है कंक्रीट पेविंग वो इंशाल्लाह की जाएगी, और फिर एस्फाल्ट वर्क जिस एरिया में होना है वो भी किया जाएगा। और ये सारी ट्रैफिक जो कि आप देख सकते हैं इस साइड पे चल रही है फास्ट ट्रैक में, ये दूसरी साइड पे डाइवर्ट हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह जो है इस साइड पे भी वर्किंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पुरानी रोड रिमूव की जाएगी, पुरानी एस्फाल्ट, और फिर जो है नए ट्रैक के ऊपर वर्किंग होगी। और ये ट्रैक सारा रेडी किया जा चुका है, यहाँ पर जो है कंक्रीट लाइन डलेगी
जो कि हैवी ट्रैफिक के लिए डाली जाती है। कंक्रीट लैंड डलने के बाद आखिरी एक साइड रह जाती है जहाँ पर मशीन नहीं पहुँच पाती, तो उसको जो है मैन्युअली फिल किया जाता है। और ये जगह जगह पे आपको जो है नज़र आएंगे बस स्टॉप भी बने हुए, जैसा कि काकपुल में भी और बंडर के मुकाम पे भी, और इसी तरह आगे नेवल इंटरचेंज के करीब बस स्टॉप भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ब्लू लाइन जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो यहाँ पर चलनी है। ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, बिल्कुल स्लो यहाँ पर जो है ट्रैफिक चल रही है, और बहाव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर रश बन जाता है, क्योंकि सारी जो ट्रैफिक है एक साइड पे डाइवर्ट हुई है और आगे ब्रिज के ऊपर वर्किंग चल रही है, पाइल वर्क हो रहा है, साथ साथ ड्रिलिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। और ये जो ट्रैफिक है आगे बंडा तक तकरीबन ब्लॉक रहती है दिन के टाइम। और काफ़ी बड़े एरिया में जो है आगे ट्रैफिक ब्लॉक है। पुल की वर्किंग अगर आपको दिखाऊं तो ड्रिलिंग का प्रोसेस जो है आपके सामने हो रहा है। आज जो है मैंने इसको भी कैप्चर करना था, माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी के साथ फाइल वर्क चल रहा है यहाँ पर, जबकि इस साइड पे भी आप देख सकते हैं एक्सकवेशन भी हो रही है और पुरानी फाइल्स जो है रिमूव की जा रही हैं, साथ साथ डिसमेंटलिंग का प्रोसेस भी चल रहा है और ड्रिलिंग भी हो रही है और नई पाइप्स जो है फिक्स की जा रही हैं। काफ़ी बड़े एरिया में जो है आगे आप वर्किंग देख सकते हैं चल रही है। आज स्पेशल मैंने इसको भी कवर करना था, क्योंकि पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने इसको कवर नहीं किया था। अल्टरनेट पाइप्स जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा पुल बनाया जाना है, क्योंकि आगे पहले जो पुल है जो कि फंक्शनल है ये दूसरी साइड के लिए है, जो खन्ना पुल टुवर्ड्स खाक पुल, और यहाँ पर जो पुल बनेंगे दो नए बनेंगे जो कि रवात साइड टुवर्ड्स खन्ना पुल होंगे, और वर्किंग इसी हिसाब से चल रही है। काफ़ी मतलब या तो चौड़े होंगे या फिर दो पुल बनाए जाएंगे। गार्डर्स इनके मुकम्मल तौर पर रेडी हैं और पाइल्स जो है वो रेडी की जा रही हैं। स्ट्रक्चर सारा जो है दूसरी साइड पर रेडी पड़ा है, और ये सामने गार्डर्स यार्ड है, सारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर रेडी पड़ा है और गार्डर्स भी बिल्कुल रेडी हैं। और ये ग्रेडिंग का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर जो है एस्फाल्ट वर्क होगा, पहले जो है कंपेक्शन की जा रही है ग्रेडिंग के बाद, इसके बाद यहाँ पर जो है क्रश और सैंड का मिक्सचर डाल के उसको कंपैक्ट करके अच्छी तरह से, उसके बाद जो है यहाँ पर एस्फाल्ट होगी और टू लाइन्स जो है वो फास्ट ट्रैक की डलेंगी यहाँ पर, और इस तरह से फोर लाइन जो है कंप्लीट हो जाएंगी। एक साइड मुकम्मल है तो सारी ट्रैफिक जो है इधर डाइवर्ट है, और ये स्वां गार्डन का एरिया आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंड का जो है मिक्सचर डाला जा रहा है, क्रश और सैंड जो है मिक्स किया जा रहा है साथ साथ, कंपैक्शन का हो जाएगा। और ये आ चुका है पीडब्ल्यूडी रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है, इसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है, पाइल जो है तकरीबन रेडी हो चुकी हैं, 40-40 पाइल्स जो है दोनों साइड पे बनेंगी, एक साइड पे रेडी हो चुकी हैं, दूसरी साइड पे भी रेडी की जा रही हैं। और इन पाइल्स के ऊपर जो है आप देख सकते हैं बेड बन रहे हैं, और माशाल्लाह से स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ, जो है ये स्टील फिक्स किया जा रहा है। पहले जिस तरह से ये ब्रिज बना था बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाया जा रहा है, और तकरीबन एक से डेढ़ वीक के अंदर आप देख सकते हैं कितनी प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है। और आगे जो है यहाँ पर वाल भी बनाई जा रही है जो कि मिड पॉइंट है दोनों रोड्स का। ये लोही बेर है वान का एरिया, ये ऊपर का एरिया भी आप देख सकते हैं एक्सवेट हुआ है, और ये फिलिंग स्टेशन की साइट आ चुकी है,
यहाँ जो फ्यूल स्टेशन फिल स्टेशन बनाया जा रहा है इसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है काक पुल से लेकर अगर आप देखें खना पुल तक तो सिर्फ ये जो है PWD के मुकाम पे कर्व आती है, बाकी किसी जगह पे कर्व नहीं है। यहाँ पर जो है हल्की सी कर्व आ रही है। ये मशीनरी आगे जो है काफ़ी दिन से खड़ी है जो कि सर्विस रोड के ऊपर वर्किंग करेगी, जो कि पुल सर्विस रोड के ऊपर यूज होगा सर्विस रोड के तौर पर, उसके लिए ये मशीनरी खड़ी है। और ये आप देख लो मशीनरी इस ब्रिज के ऊपर से स्पार्ट को रिमूव करके दोबारा से जो है स्पार्ट किया जाएगा। ये जो कर्व बनी हुई है इसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था। और ये गुलबार्ग ग्रेन्स इंटरचेंज का एरिया, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।